वेलकम टू एनएसपी सॉल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉप 10 ऐसे शॉर्टकट कीज के बारे में जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो कुछ यहाँ पर टेबल पे डेटा है, तो हमें क्या करना है, डेटा का जो हमें चार्ट क्रिएट करना हो आप कैसे कर सकते हैं देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शॉर्टकट कीज द्वारा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से जस्ट वन क्लिक में आप कर सकते हैं। जैसे जहां तक हमारा डेटा है उतना को हम सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद हम अल्ट के साथ क्या करेंगे, F1 की प्रेस करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे हमारा चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, उसको जहाँ सेट करना हो कर लेंगे, और जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करना हो या इजीली आप कर सकते हैं। अगर उसको डिलीट करना हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर दे, तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। अब दूसरा हमारा है यहाँ पर रिसाइज फॉर्मूला बार। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, फॉर्मूला बार कहलाता है, ठीक है। इसको आप रिसाइज कर सकते हैं, रिसाइज का मतलब बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट क्यू को प्रेस करके रखना है, उसका कीबोर्ड से जो यू अल्फाबेटिकल लेटर है यू को प्रेस करेंगे, देखेंगे इस तरह से वो बड़ा हो जाएगा। फिर से छोटा करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट को दबा करके रखना है, फिर से यू प्रेस करेंगे, देखेंगे वो छोटा हो जाएगा इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हाइड एंड अनहाइड रोज। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सेल में रो कहलाता है, ऊपर से नीचे ABCD ये हमारा कॉलम कहलाता है। अब कुछ डेटा ऐसा होता है जहाँ पर हमें 2 3 रोज को जो है हाइड करना होता है, छुपाना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी रो को हमें छुपाना हो यानी हाइड करना हो उतना को सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 जितना को भी आपको करना है। करने के बाद हमें क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 9 की जो है वो प्रेस कर देंगे, तो देखेंगे इस तरह से हाइड हो जाएगा। फिर उसको अगर अनहाइड करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए हमने हाइड करने के लिए क्या किया, यहाँ पर Ctrl+9 की प्रेस किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल को एक साथ प्रेस करके रखना है, उसका 9 की प्रेस कर देंगे, देखेंगे इस तरह से ये हमारा जो रो अनहाइड हो जाएगा। देखें इस तरह से इजी तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अगर उसी तरह से अगर हमको कॉलम को करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉलम को हाइड करने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी कॉलम को हाइड करना हो उतना कॉलम को इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैथ और ये हिंदी और इंग्लिश ये दोनों को हमें हाइट करना हो, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ 0 की प्रेस करेंगे और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें उसको अनहाइट करना हो तो हमें क्या करना है, अल्ट की प्रेस करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हमें HOUL की प्रेस करेंगे, देखेंगे इस तरह से वो अनहाइट हो जाएगा कॉलम हमारा, यानी Ctrl+0 से ये हो जाएगा हाइट यानी कॉलम, और अल्ट की को प्रेस करके रखने के बाद HOUL जो की प्रेस करेंगे तो कॉलम हमारा अनहाइड हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम। सबसे पहले जो आज का जो डेट है हमें उसको इंसर्ट करना हो। जैसे क्या होता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप वर्क करते हैं उसमें क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे जो है डॉक्यूमेंट होते हैं या कुछ ऐसे एक्सेल चार्ट होते हैं या फिर ऐसे टेबल में जो डेटा होते हैं जहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो करंट डेट है उसको अगर हमें लाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फिर हम टाइप करेंगे, ऐसा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जस्ट एक शॉर्टकट की द्वारा आप जो है 1 सेकंड में ही उस चीज को आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। जैसे कंट्रोल की को हमें क्या करना है, प्रेस करके रखना है, आप सेमी कोलन की प्रेस कर देंगे, देखेंगे जो अभी का डेट है वो आ जाएगा। चलिए ये तो आ गया। उसी तरह से अगर टाइम को यानी कि जो अभी का टाइम है हमें वो भी इंसर्ट करना हो तो हमें क्या करेंगे, जैसे डेट को करने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन की प्रेस कर दिया, अगर हमें टाइम को लाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करेंगे एक साथ, उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी कोलन को कर देंगे, देखेंगे अभी का जो करंट टाइम है वो भी यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये है रेप टेक्स। ये क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जैसे देखिए कि हम जो भी अगर टेक्स्ट टाइप करते हैं एक सेल से दूसरा सेल में हमारा चले जाएगा इस तरह से, या फिर जहाँ पर भी हम टाइप करेंगे वहां पर आप इस तरह से देखें, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं तो देखना ये हमारा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक सेल से दूसरे सेल में नहीं आकर के एक ही सेल में वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अल के साथ इंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक ही सेल पे वो आ जाएगा, बाहर क्लिक करेंगे देख रहे हैं इस तरह से ये आ जाएगा एक ही सेल के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा ऑटो फिट कॉलम विथ। ऑटो फिट कॉलम विथ का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल है शीट के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीरियल नंबर जो है उसका प्लेस थोड़ा सा हमें छोटा करना हो, लेकिन देख रहे हैं ये जो अपना साइज से कुछ ज्यादा है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं हम चाहते हैं कि ये सभी कॉलम के जो विथ यानी जो चौड़ाई है टेस्ट के हिसाब से जो इसका कंटेंट है इसके हिसाब से फिट हो जाए, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, जितने एरिया पे हमें जो है क्या करना है वो चीज अप्लाई करना हो, यानी जितना टेबल पे उतने रो को कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद अब हमें क्या करना है, अल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसके बाद
टेस्ट और आई की प्रेस करेंगे, देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो है कॉलम का विड्थ फिट हो जाएगा टेक्स्ट के हिसाब से, देख रहे हैं इस तरह से। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट सीट या फिर बैक सीट, जिसको हम बैकवर्ड या फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब अगले वाले सीट, बैकवर्ड मतलब पिछले वाले सीट। जैसे हमें लास्ट सीट पे, जैसे लास्ट सीट कौन सा था, ऑटोफिट कॉलम, नेक्स्ट सीट कौन सा है, जैसे ये जो देखते हैं हमारा लास्ट सीट एंड बैक सीट, ठीक है। चलिए हम चाहते हैं कि इससे जो लास्ट सीट सीट था हम उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, करंट सीट से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है, पेज अप करेंगे, देखेंगे हम जो है लास्ट सीट फिर जाएंगे, देखें इस तरह से। अगर एक से ज्यादा सीट रहे, अगर एक सीट रहे तो आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट में एक सीट रहेगा तो वो जो ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, यानी एक से अधिक सीट हमारे पास होना चाहिए तभी ये ऑप्शन काम करेगा। तो चलिए उसी तरह से हमें क्या करना है, अगर नेक्स्ट सीट पे जाना कंट्रोल के साथ पेज डाउन, देखेंगे इस तरह से हम नेक्स्ट सीट पे पहुंच जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज सीट। देखिए मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि आप जो भी अगर माइक्रो विंडोज में यानी आप जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा एक्सेल सीट है, हमने एक्सेल को ओपन कर लिया, ये हमारा एक्सेल का सीट है, हम चाहते हैं मिनिमाइज करके उसको टास्क बार में लाना चाहते हैं। जो ये कोई भी अगर प्रोग्राम को आप जो है कंप्यूटर का अगर मिनिमाइज करते हैं वो ऑटोमेटिकली टास्क बार में आकर के हाइड हो जाता है, उस चीज को अगर करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जो है F9 की प्रेस करेंगे, देखेंगे ये मिनिमाइज आकर के टास्क बार में ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, देख रहे हैं इस तरह से। अगर हमने ऐसा कर लिया, इसके साइज को डिसाइज वगैरह जो भी कर लिया, अगर हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाए इसमें हमारा जो है विंडो के हिसाब से मैक्सिमाइज हो जाए, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ F10 की प्रेस करेंगे, देखेंगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा इस तरह से। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इंसर्ट न्यू सीट। देखिए हमारे पास ये सारे अलग अलग सीट है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर और एक नया सीट इंसर्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर वर्कशीट को लेंगे, फिर हम जो है तब उसको इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को जस्ट 1 सेकंड के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, अपने एक्सेल में उस सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे, देखेंगे नया सीट यहाँ पर जो है आ जाएगा इस तरह से, देख रहे हैं इस तरह से आ जाएगा। डिलीट करना हो जिस सीट को, उस सीट पे क्लिक करना है, डिलीट की प्रेस कर देंगे इस तरह से, या फिर राइट बटन क्लिक करके यहाँ से डिलीट इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट कीज द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे ये रहा इस तरह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीट करना करंट सीट को, देख रहे हैं जैसे ये वाला सीट, हम राइट बटन क्लिक करेंगे, डिलीट पर जाएंगे तब डिलीट होगा। अगर हमें क्या करना, करंट सीट को डिलीट करना शॉर्टकट कीज द्वारा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला सीट है सीट 1 पे आ जाते हैं, उसके लिए हम अल्ट की को प्रेस करके रखना है, उसका EL प्रेस कर देंगे, देखेंगे ये जो करंट सीट है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इस शॉर्टकट की को अप्लाई करके आप अपने टाइम को बहुत ही बचा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।